और गाजियाबाद से खबर सामने आई है जहां के एडीएम ई के दफ्तर से एक महिला को एंटी करप्शन टीम ने 800 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता ने कुछ दस्तावेज निकालने के लिए एडीएम ई के दफ्तर में अप्लाई किया था। आरोप है कि यहां पर मौजूद दुर्गेश नंदिनी नाम की महिला क्लर्क ने 8 कॉपी निकालने के एवज में 800 रुपए की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने दुर्गेश नंदिनी का वीडियो बना लिया और एंटी करप्शन मेरठ की टीम को इस बारे में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद जैसे ही रिश्वत की रकम लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता का आदमी जिला कलेक्ट्रेट में स्थित एडीएम ई के दफ्तर में महिला क्लर्क से मिलने के लिए पहुंचा, वैसे ही रुपए देते हुए रंगे हाथ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। वहीं महिला पर कविनगर थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं पीड़ित का कहना है कि जिस काम के लिए 2 रुपए और 10 रुपए फीस लगती है उसके एवज में 800 रुपए मांगे जा रहे थे। दुर्गेशी नंदिनी मैडम है जिनके पास हमारी फाइल थी, तो हमने इनसे बोला मैडम ये सर्टिफाई कॉपी अप्लाई कर रखी है हमने, 20 तारीख को हमने की थी 15 में, और ये दे दो। तो इन्होंने देखी, इन्होंने बोला आपकी कॉपी रेडी है, तो मैंने बोला हमने बोला कि आप दे दो हमें, मेरे सर थे तो उन्होंने बोला आप दे दो। तो इन्होंने बोला कि इसमें वो लगेगी फ़ीस, हमने बोला इसमें कोर्ट फीस हमने लगा रखी है, 2 रुपये की जो नकल सवाल पे लगती है वो लगा रखी है, 10 रुपये की जो उस पर लगती है सर्टिफाई कॉपी पे वो लगा रखी है। उसके बाद इन्होंने बोला नहीं वो नहीं, 100 रुपये पर कॉपी हम लेते हैं, हमारी 8 कॉपी थी, तो इन्होंने बोला 100 रुपये पर कॉपी हम लेते हैं अपने अलग से, तो 800 रुपये हो गए, आपकी 8 कॉपी है, बिना 800 रुपये नहीं देंगे। तो मेरे सर हैं, उन्होंने बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ, एडवोकेट अभिषेक शर्मा, तो हम वहाँ पे ना पैसे देते ना लेते, पैसा देना लेना दोनों जुर्म है। तो वो मैडम बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप नहीं पता लेकिन यहाँ ये रूल है हमारा। तो उसके बाद हमने बोला ठीक है आप दे दो, नहीं वो ने बोला नहीं पैसे बिना नहीं दूँगा, तो हमने बोला ठीक है आप रख लीजिए हम आपको पैसे दे देंगे। फिर हम 9 तारीख में गए एंटी करप्शन ब्यूरो मेरठ, हमने जाके वहाँ शिकायत दी लिखित में कि ऐसे ऐसे मैडम है, हमने पूरा प्रकरण बताया उनको कि वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो ये ब्यूरो वालों ने कार्रवाई की उस पर, आज उन्होंने आके मैडम को रंगे हाथों पकड़ा। एक महिला बाबू हैं रिकॉर्ड कीपर अभिलेखागार में कलेक्ट्रेट में, जिनके द्वारा अभिषेक कुमार शर्मा जी हैं उनसे एक बाद की नकल लेने के लिए प्रतिवाद 100 रुपये के हिसाब से इन्होंने 8 कॉपियों बादों की नकल थी, 800 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। ये महिला बाबू हैं इन दुर्गेश नंदिनी सीनियर क्लर्क हैं जो अभिलेखागार को देखती हैं। जब उनके द्वारा मांग करने पर शिकायत हमारे यहाँ गई थी, हमने उस पर जांच कराई तो ये तथ्य सही पाए गए, उसको आधार मानते हुए हमने सरकारी गवाह लिए डीएम साहब से आके सुबह, और डीएम साहब से गवाह लेने के बाद हम लोगों ने कार्रवाई की और उनके द्वारा जब रुपए की मांग की गई और रुपए ले लिए 800 रुपये, 8 नकलों के 800 रुपये प्राप्त किए, और नकल रुपए लेने के बाद जब उन्होंने हमने मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया।